ये जो बॉलिंग कर रहे हैं ना कृणाल इस टूर्नामेंट में, क्या कैसे क्लासिफाई करेंगे इसको? मैं तो बोलूंगा लेफ्ट आर्म स्लो मतलब या लेफ्ट आर्म स्लो फास्ट, कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या है। कभी फास्ट बॉल आ जाती है, फ्लाइट नहीं देते, स्पिन नहीं करेंगे, कभी स्किड कर देते हैं अंदर। बड़ा मुश्किल लग रहा है इनको खेलना। बिल्कुल मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जो प्रोसेसर्स हैं बाकी के उससे अलग है ना ये कैसे है। या तो मतलब अगर यू नो स्वाम में बोलना होगा तो आप बोलेंगे इज अ लेफ्ट आर्म इंटेलिजेंट बॉलर। अरे नाइस। और अगर हमारी देसी भाषा में आओगे तो वो कहते हैं वो स्ट्रीट स्मार्ट होता है ना भाई, वो है ये। इसको पता है कि इस गली से मोड़ जब जाएंगे वहां तो वहां एक बैठा हुआ है टॉमी, उससे राइट जाएंगे तो वहां पे बैठा है बॉबी डंडा लेके, ये उधर से निकलते हैं जाना टॉमी है ना बॉबी है। आप समझे टॉमी और बॉबी, समझे आप अनुज? नहीं 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 समझा। मैं बता दूं, टॉमी जो करता है बॉबो और बॉबी जो डंडा लेके बैठेगा कि टॉमी करके बॉबो तो बॉबी मारेगा उसको, ये इनके बीच में ना तीसरा बंदा फंस जाता है, तो तीसरा बंदा कहता है साइड से निकल लो भाई, ठीक है इनके में नहीं पड़ना हमको। पर यही है, कृणाल पांड्या भी कर लेते हैं एक तरफ से, ट्रेंट बोल्ट काम कर रहे हैं, पैटिसन काम कर रहे हैं, बुमराह काम कर रहे हैं, चहर काम कर रहे हैं, ये अपना बीच में कुछ अजीब सा नमूना लेके आ गए हैं, कुछ अद्भुत सा। हाँ मनोज। देखिए कृणाल पांड्या ऑब्वियसली जिस तरीके से बॉल करे उनका सिंपल सा फंडा है गौरव पाजी, 24 बॉल का फंडा लेके उतरते हैं और उनको पता है कि मुझे 24 बॉल कैसे डालनी है। और सबसे बेस्ट पार्ट उनकी बॉलिंग की क्या है, उनकी बुद्धि ऑब्वियसली, वो रीड करते हैं बैट्समैन क्या करना चाहता है। क्योंकि अगर आप बैट्समैन को पहले रीड कर सकते हैं ना, क्योंकि वो बैट्समैन खुद ही पहले बैट्समैन है फिर बॉलर है, एज अ बैटिंग ऑलराउंडर फर्स्ट कहेंगे उनको, तो वो एज अ बैट्समैन के हिसाब से सोचते हैं कि अगर मैं उस जगह पे रहूं तो क्या करना चाहूंगा, तो उस हिसाब से बॉलिंग भी वो उसी चतुराई से करते हैं। तो देखिएगा बहुत तरह का वेरिएशन भी यूटिलाइज करते हैं, साइड आर्म कर देते हैं, कभी कभी बाउंसर मारते हैं, हमने देखा है 50 ओवर के क्रिकेट में उन्होंने बाउंसर भी मारी है। तो ये अच्छी चीज है और इससे सीखने भी चाहिए। हमेशा विकेट लेने के लिए आपको फ्लाइट और टर्न करने की जरूरत नहीं है, अगर आप प्रेशर डॉट बॉल के बढ़ाते रहेंगे तो मेरे ख्याल से वो विकेट आनी ही है, क्योंकि ये गेम ही रन का है। तो हिसाब से मतलब जिस तरह बैट्समैन इनोवेटिव शॉट्स लाते हैं अपने खेल में अभी T20 फॉर्मेट में, उसी तरह ये अपने बॉलिंग में भी लेके आए हैं वेरिएशन, जो मैं भी करता था स्लिंगी ऑफ स्पिन, लेकिन अब ये लेफ्ट आर्म स्पिन में भी देखने को मिल रहा है। आने वाले टाइम में हम इनको भी देखेंगे स्नेक वाला रन अप करके ओवर द स्टंप्स डालते हुए, ये भी पॉसिबल है इनके साथ। नया आइटम पेश करेंगे भाई, हो रहा है भाई, मजेदार चीजें हो रही है यहाँ पर।